आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द इलेक्ट्रिशियन चैनल में। इस वीडियो में 5-पिन सॉकेट और सिंगल स्विच का कनेक्शन किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। इस वीडियो के आखिर में हम देखेंगे क्या वजह होती है इस तरह से सॉकेट जलने की। और अभी तक आपने द इलेक्ट्रिशियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इलेक्ट्रिक वर्क से जुड़ी इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड होती है। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही वो जो घंटे का आइकॉन है ना उसे भी दबा देना। इस वीडियो में जो हम कनेक्शन करने वाले हैं उसके लिए हमने जो वायर यूज़ किए वो कलर कोड में यूज़ किए ताकि आपको वायरिंग अच्छे से समझ आए, आपको समझने में आसानी हो। इस कनेक्शन के लिए मैंने 6 एम्पीयर का एक स्विच यूज़ किया है। 6 एम्पीयर का स्विच मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो हमें कनेक्शन यूज़ करने वाले हैं वो हम चार्जिंग के पर्पज़ से या ज़्यादा लोड के लिए हम ये यूज़ करने वाले नहीं है, इसलिए मैंने 6 एम्पीयर का स्विच यूज़ किया है। और जो 5-पिन सॉकेट है ये भी 6 एम्पीयर का ही है, लेकिन ये मॉड्यूलर सॉकेट है। मॉड्यूलर सॉकेट मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको पता चले कि मॉड्यूलर सॉकेट या फिर रेगुलर जो स्विचेस होते हैं उसका कनेक्शन सेम ही होता है। जो कनेक्शन हम बना रहे हैं ये हम कम लोड के यूज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लोड के लिए भी बनाना हो तो प्रोसेस सेम ही रहती है, लेकिन जो इसमें वायर का यूज़ हो रहा है या फिर जो सॉकेट जो यूज़ हो रहे हैं, सॉकेट हम 20 एम्पीयर के लेंगे और स्विचेस भी 20 एम्पीयर के लेंगे, और जो वायर है वो भी 2.5 mm या फिर 4 mm के हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन शुरू करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि स्विच का टॉप हमेशा ऊपर ही रहे। हमने जो इसमें रेड कलर की वायर यूज़ कर रहे हैं वो 1.5 mm की रेड वायर है। मेन सप्लाई हम इस स्विच तक लाने के लिए रेड वायर का यूज़ कर रहे हैं। सिंगल स्विच पे कनेक्शन के लिए 2 स्क्रू रहते हैं, टॉप साइड और बॉटम साइड। मेन सप्लाई हम बॉटम साइड पे, ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन बॉटम साइड पे ही कनेक्शन करते हैं मेन सप्लाई के लिए। स्विच बोर्ड में कनेक्शन करते वक्त इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जहाँ कहीं भी हम वायर कस रहे हो वो अच्छी तरह से कसें। स्विच तक मेन सप्लाई लाने के लिए जो ज़रूरी कनेक्शन होता है वो तो हमने इस रेड वायर से कर दिया। अब हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। सॉकेट का कनेक्शन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सॉकेट पे कौन से पॉइंट थे। न्यूट्रल, लाइन और अर्थिंग, ये 3 पॉइंट सॉकेट पे रहते हैं। और सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हमने येलो वायर का यूज़ किया है। स्विच के टॉप से प्लग तक यानी सॉकेट तक हम कनेक्शन देने के लिए येलो वायर का यूज़ कर रहे हैं। स्विच के टॉप पे येलो वायर कसने के बाद सॉकेट पे जहाँ पे येल लिखा होता है यानी लाइन के लिए येल लिखा होता है वहाँ पे हम येलो वायर का कनेक्शन कर देंगे। मतलब रेड वायर से मेन सप्लाई आ गया स्विच तक, और स्विच से सप्लाई जब स्विच ऑन होगा तब उसके बाद स्विच से सप्लाई आएगा सॉकेट तक। अब हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल के लिए। देखिए, मैंने सॉकेट के बारे में बताया था, येल माने न्यूट्रल और लाइन माने जहाँ पे सॉकेट में सप्लाई आता है स्विच के थ्रू वो रेड वायर से आता है। न्यूट्रल कनेक्शन के लिए हमने ब्लू कलर की वायर यूज़ की है। सॉकेट पे न्यूट्रल कनेक्शन करने के बाद हम मेन सप्लाई जो हम बोर्ड यूज़ कर रहे हैं मेन सप्लाई उसमें फेज और न्यूट्रल कहाँ पे वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद प्लग में जहाँ पे टेस्टर ग्लो करता है वो फेज है, और जहाँ पे नहीं करता वो न्यूट्रल है। हमने जो कनेक्शन अभी बनाया हुआ है उसे अभी हम चेक करेंगे। हमने जो कनेक्शन बनाया हुआ है उसमें हम सप्लाई जहाँ से ले रहे हैं, जिस मेन बोर्ड से हम सप्लाई ले रहे हैं उसका स्विच ऑन करने के बाद रेड वायर के थ्रू सप्लाई आएगा स्विच के बॉटम में। जब हम स्विच का सप्लाई ऑन करेंगे तभी सॉकेट का टाइम आएगा और सॉकेट तक सप्लाई जाएगा। इस तरह से अपना कनेक्शन जो हमने किया है वो पूरा हो जाएगा, न्यूट्रल के थ्रू सर्किट पूरा हो जाएगा। अब करिए कुछ ज्ञान की बातें। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा इसलिए थैंक्स। मॉड्यूलर स्विच या मॉड्यूलर प्लग कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ मत करना। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो वहाँ पे अगर आपको स्विच बोर्ड बनाना हो तो हमेशा याद रखना 20 यानी 20 एम्पीयर का सॉकेट और 20 एम्पीयर का स्विच ही वहाँ पर यूज़ करना, ताकि वहाँ पर लोड ज़्यादा होता है। और अगर आप 6 एम्पीयर का स्विच या प्लग यूज़ करोगे तो उसका हाल कुछ इसी तरह होगा।